नमस्कार, daya.com में आपका स्वागत है। ये हमारा हर्बल शैम्पू तैयार है। हमने इसमें किसी भी केमिकल का यूज नहीं किया है। ये शैम्पू आपके बालों को हेल्दी और स्ट्रांग बनाएगा। अगर आपको हेयर फॉल, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप इस शैम्पू को बनाकर यूज कीजिए और रिजल्ट देखिए। आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और डैंड्रफ से भी आपको छुटकारा मिलेगा और आपके बाल बढ़ने में भी मदद होगी। मैं उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमेशा शेयर करती रहती हूँ, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखिए ताकि वो यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप मिस नहीं करेंगे। काले घने लंबे बाल हर किसी की चाहत होती है। बालों की सही देखभाल की जाए तो बाल हेल्दी बनेंगे। ज़रूरत है थोड़ा समय देने की। बालों को हेल्दी बनाने के लिए आज हम हर्बल शैम्पू बनाने वाले हैं। इसके लिए हम गुड़हल के फूलों का यूज़ करेंगे। गुड़हल के फूलों को जवा कुसुम जासून भी कहते हैं और इसका बॉटनिकल नेम हिबिस्कस है। इसमें कई नेचुरल गुण होते हैं जिससे हमारे बाल सुंदर बनते हैं। बालों को काला करने में और बालों को झड़ने से रोकने के लिए ये बहुत ही कारगर है। इसकी पंखुड़ियां स्काल्प को मॉइस्चराइज करने का काम करती है। साथ ही ये फूल बहुत अच्छा कंडीशनर और मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। ये हर्बल शैम्पू बनाने के लिए हम और भी हर्ब्स का यूज करने वाले हैं जो हमारे बालों को नरिश करेंगे। अगर आपके पास ताज़ा फूल है तो आप उनका यूज कीजिए, अगर नहीं है तो आप उसको स्टोर करके बाद में वो सूखे फूलों का भी आप यूज कर सकते हैं। आप इन सूखे फूलों का पाउडर बना के भी रख सकते हैं बाद में यूज करने के लिए। हम नीम के पत्तों का भी यूज करेंगे। नीम में कई नेचुरल गुण होते हैं और इसमें हम थोड़े से तुलसी के पत्ते भी डाल देंगे। अगर आपके पास ताज़ा गुलाब है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम सूखी हुई जो स्टोर करके रखी हुई पंखुड़ियां हैं गुलाब की उसका भी यूज कर सकते हैं। हम थोड़े से हिबिस्कस के पत्तों का भी यूज करेंगे। जो फूलों में गुण होता है वही गुण ये इन पत्तों में भी होता है। हम 2 नींबू का रस इसमें एज ए नेचुरल प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे। रस निकालने के बाद इन छिलकों को भी हम शैम्पू बनाने के लिए यूज करेंगे। अगर आपके पास एलोवेरा है तो आप इसका जेल निकालकर इसको भी आप इस शैम्पू में डाल सकते हैं। थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी हम इसमें यूज करेंगे। ये हमारे बालों को नेचुरली काला करने में मदद करता है। हम रेडीमेड शिकाकाई पाउडर का यूज करने वाले हैं। इसमें और भी हर्ब्स मिले होते हैं जो हमारे शैम्पू को एक अच्छा झाग देता है और ऑयल निकालने में मदद करता है। हम ये पाउडर भिगोने के लिए इस लोहे के कढ़ाई का यूज करने वाले हैं। इससे हमारा शैम्पू हमारे बालों को नेचुरली काला करने में मदद करेगा। अब हम सबकी साफ सफाई करके इसे पानी में रात भर भिगोने के लिए रख देंगे। मैंने एलोवेरा जेल कैसे निकालते हैं, उसके यूजेस और बेनिफिट्स, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उसे जरूर देखिए। मैंने ये सब साफ करके लिया है। इस शिकाकाई पाउडर में आप आंवला पाउडर या संतरे का पाउडर भी मिला सकते हैं। ये मैंने अब रेडीमेड शिकाकाई पाउडर का यूज किया है। इसमें सब कुछ मिला हुआ होता है। आप घर में भी आंवला, रीठा, शिकाकाई का पाउडर बनाकर रख सकते हैं और उसे आप यूज कर सकते हैं शैम्पू बनाने के लिए। और एक चम्मच संतरे का पाउडर भी मैं इसमें मिला देती हूँ। ये होममेड संतरे का पाउडर है। आप गर्मी के दिनों में संतरे के छिलकों को सुखाकर उसका पाउडर बना सकते हैं। इसका यूज हम फेस पैक में एज अ स्क्रबर भी कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इसमें 7-8 चम्मच शिकाकाई पाउडर या पाउच का यूज करें। अप्रोक्सीमेटली ये 1.5 या 2 लीटर शैम्पू बनेगा। अब हम इसमें पानी मिलाकर इसे 7-8 घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कौन सी भी साधारण बर्तन का यूज कर सकते हैं। अगर आप सफेद बालों से परेशान हैं तो बालों को नेचुरली काला रंग देने में ये मदद करेगा। लोहे की कढ़ाई में भिगोने से इसे नेचुरली काला रंग आ जाता है। अब हम इन फूलों को भिगोने के लिए रख देते हैं।
हम बड़े बर्तन का यूज करेंगे, बाद में हमें इसे गर्म करके लेना है। हम सभी इंग्रेडिएंट्स मिलाकर इसे 7-8 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देते हैं। सभी फूल और सामग्री अच्छी तरह से पानी में भीग जाए, उस क्वांटिटी में पानी मिला लें। सभी इंग्रेडिएंट्स पानी में डूब जाने चाहिए। इसे हम 7-8 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देते हैं, जिससे फूलों का और पत्तों का सारा अर्क पानी में उतर जाएगा। हमने 7-8 घंटे इन फूलों को और शिकाकाई पाउडर को भिगो के रखा था। अब हम इसे 4-5 मिनट के लिए उबाल कर लेते हैं, इससे सारा अर्क पानी में उतर जाएगा। हमने इसमें सारे हर्ब्स मिलाए हैं, जो हमारे बालों के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये 100% प्योर हर्बल शैम्पू है। अब इसमें अच्छी तरह से उबाल आ गया है। पानी में फूलों ने और पत्तों ने अपना रंग छोड़ दिया है, इसका मतलब इसमें सारा अर्क उतर आया है। अब गैस की फ्लेम बंद करके हम इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। शिकाकाई पाउडर में भी उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम बंद करके इसे भी ठंडा करने के लिए रख देते हैं। फूलों का सारा अर्क इसमें उतर आया है। अब हम इसे मिक्सी से निकाल लेते हैं, इससे हमें छानने में आसानी होगी। आप ऐसे भी छान सकते हैं, इससे फूलों का अर्क जेली टाइप आ जाएगा, जो बालों के लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब हम इसमें थोड़ा सा ही फूलों का ये पानी मिलाएंगे और मिक्सी को थोड़ा रुक रुक कर चलाएंगे। ज्यादा देर तक नहीं चलाना है, इससे फूलों का जो अर्क है वो जूसी यानी पतला हो जाएगा। अब इस मिक्सर को हम छलनी से छान लेते हैं। इसके लिए हम इस तरह की छलनी लेते हैं और उस पर इस तरह का पॉलिस्टर या कोई भी मसलिन क्लॉथ इस पर डालकर हम इस मिक्सर को इसमें डालकर छान लेते हैं। इस तरह से हमने इसे छान लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर और इसे छान लेते हैं। ज्यादा पानी नहीं मिलाना है, जो फूलों का पानी हमने निकाला था उसी को यूज करना है। बाद में हम इसे और छान कर इसका हम सारा अर्क निकाल लेते हैं। फूलों का अर्क हमने पूरी तरह से निचोड़कर निकाल लिया है। अब शिकाकाई पाउडर को भी हम उसी तरह से छान लेते हैं। शिकाकाई पाउडर से भी थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर हमें पूरा अर्क निकाल लेना है। शिकाकाई पाउडर से भी हमें पूरा अर्क निचोड़कर निकाल लेना है। ये पूरी तरह से नेचुरल हर्बल शैम्पू है, 100% आपके बालों की समस्या को दूर करने वाला है। ये मैंने एलोवेरा के एक लीफ का ये जेल निकाला है। हम इसे हमारे हर्बल शैम्पू में मिलाएंगे, इससे हमारे बाल हेल्दी और स्ट्रांग बनेंगे। ये कंडीशनर का काम करता है, जिससे हमारे बाल रेशमी मुलायम बनते हैं। इसमें हम 2 नींबू का रस एज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे। नींबू का रस भी हमारे बालों के लिए अच्छा होता है। ये डैंड्रफ को रिमूव करने में और डर्ट को रिमूव करने में मदद करता है। ये शैम्पू हम फ्रिज में 2 महीनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम इस शैम्पू को इस कंटेनर में भरकर रख देते हैं। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि इसमें फूलों का अर्क है जो नीचे जम जाता है, तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करके यूज करना है। आप जब बाल धोने के लिए इस शैम्पू का यूज करेंगे तो आधा घंटा पहले इसे बालों में लगाकर रखें। आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यूज करने में आसानी हो, इसलिए आप इस तरह के छोटे कंटेनर में इसे निकाल कर रख दें। इसे हम फ्रिज में स्टोर करके 2 महीनों के लिए रख सकते हैं। आपको बाजार के केमिकल वाले शैम्पू लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस शैम्पू को बनाकर जरूर यूज करें। आपके बाल हेल्दी, स्ट्रांग और घने लंबे बनेंगे। तो मिलते हैं और एक ऐसी ही वीडियो लेकर। आप हमेशा खुश रहिए, हेल्दी रहिए।